उसकी अंदर जिन चीज़ों से उसकी सक्सेस अच्छी हो सकती है, ये एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हर गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। अगर हम अपने जहन में सिर्फ ये रख के बैठेंगे कि हमारी हुकूमत के मुतालिक, मेरी मुतालिक, हमारी पार्टी के मुतालिक किस तरह का रवैया है, किस तरह के बयानात आते हैं, क्या कवरेज मिलती है, नहीं मिलती, तो मेरे ख्याल फिर हम इस पूरे सेक्टर को कभी फरोह नहीं देते। और जहां एक बहुत बड़ा पिलर जर्नलिज्म और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आजकल के दौर में कहा जाता है, अगर उस पिलर की बुनियादों को हम इन्हीं वजूहात की वजह से कमज़ोर करना शुरू करेंगे, हमारा फिर हम रास्ता देते हैं उन अनासिर को जो आके इस एक रिस्पेक्टेड और एक रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म के अंदर अपनी जगहें बनाएं। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट ने, हमने महसूस किया कि ये सारी चीज़ें अपनी तरफ हुकूमत बलूचिस्तान हर उस इकदाम को, हर उस कदम को, हर उस प्रोसेस को, हर उस चीज़ को फ़रोग देगी, बल्कि आगे जाके काम करेगी जो आपकी कम्युनिटी की एक बेटरमेंट की तरफ और उसकी एक बका के लिए और उसकी अच्छाई के लिए चीज़ों को आगे ले जाए। और इंशाल्लाह आप गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को, मैं अभी फिर से आपको दोहराता हूँ कि अल्लाह ताला ने जब तक मौका दिया है, इससे बरक्स कि जो भी बयानात या जो भी कवरेज हो या ना हो, आप इंशाल्लाह इन बाकी इंशाल्लाह 3 सालों में हुकूमत बलूचिस्तान को हमेशा अपने साथ पाएंगे। आपकी जितनी भी इश्यूज़ हैं, आपकी डेवलपमेंट रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है, गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, प्रमोशंस हैं, आपके साथ खड़ा होना है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, इंशाल्लाह हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। मेरे लिए बड़ी खुशी की एक बात है कि आज एक बहुत देरीना मसला जो आपका 30 साल से चला आ रहा है, उस हवाले से आज अल्लाह ताला ने ये मौका हमें भी दिया और आप लोगों को, आपके साथ ये एक जेस्चर बनाने के लिए कि इस कम्युनिटी की फ़ाइनल एक अलॉटमेंट जो है वो अभी हुई है। लेकिन मुझे बड़ी हैरत होती है, मैं हुकूमत में जब इस सिस्टम के अंदर हम मौजूद हैं, इन चीज़ों को कभी इतना वक्त लगना नहीं चाहिए। या तो अगर आपका एजेंडा ये हो कि हमने नहीं करना, वो अलग बात है, लेकिन जहाँ अगर बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं हुकूमती लिहाज से जिसे हम गवर्नेंस के एक मेकैनिज्म में लाते हैं, कि वो प्रोसेसेस हैं जिनको करना हुकूमतों के लिए बहुत बड़ा कोई मसला नहीं होता और बहुत स्पीडी में भी कर सकती है। मैं भी अभी भी बड़ा इस जो 17-18 महीने की जो ताखीर है, मैं समझूंगा इसमें 6-8 महीने है जो पूरे मुल्क में होनी चाहिए, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने स्ट्रक्चर्स में बेहतरी लाएं और स्ट्रक्चर्स को इम्प्रूव करें कि जिन कामों ने 2-2, 3-3 महीने में होना है वो 10-10 साल क्यों लेते हैं, 8-8 साल क्यों लेते हैं। और आने वाले लोगों के लिए हम एक बेंचमार्क बनाएं कि अगर आप अपने जब तक मैकेनिज्म्स को बेहतर नहीं करेंगे, आप रिलीफ नहीं दे सकते। रिलीफ अगर आएगी तो बहुत डिले में आएगी, और जब इतने डिले में आएगी तो लोग फिर उसकी अफादियत भी भूल जाते हैं, उसकी कदर भी भूल जाते हैं। जिन लोगों ने बेड़ा उठाया हुआ होता वो भी इस दुनिया से चले जाते हैं। 30 साल में चंद एकड़ ज़मीन देना, और वो भी बलूचिस्तान जैसे हुकूमत के लिए जहाँ बलूचिस्तान में ज़मीन ही ज़मीन सब कुछ हमारे पास है और बाकी शायद वसीले इतने कम हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया रेस करती है, जिनको इंशाल्लाह मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में हम बहुत बेहतर अंदाज में हल करेंगे, दूर करेंगे। तो आप सबको इस प्लॉट की मुबारक हो, लेकिन मैं अमूमन दोस्तों से भी कहता हूँ कि हुकूमतें मजबूर भी नहीं होती हैं और कमज़ोर भी नहीं होती और मुफलिस भी नहीं होती। मुफलिसी हमारे जहनों में और हमारे दिलों में होती है। हमारा 18 महीने का एक्सपीरियंस है, मेरा अपना है, पहले भी हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, ज़िली सतह पे भी रहे हैं, वफाकी में भी रहे हैं। जब भी आके हुकूमत बलूचिस्तान से हटकर जब भी मैं होता था तो लोग कहते थे जी फंड नहीं है और हुकूमत की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, हम ये काम नहीं कर सकते, हम वो काम नहीं कर सकते। लेकिन मैंने 18 महीनों में देखा है कि अगर गवर्नमेंट करना चाहे बहुत कुछ कर सकती है। अगर गवर्नमेंट की प्रायोरिटी और गवर्नमेंट का फाइनेंशियल बैलेंस और उसकी
پرائیورٹائزیشن اور کہاں خرچ کرنے اگر ٹھیک ہو، یہ بہت بڑے مسائل ہیں، یہ بہت بڑے مسائل ہیں، یہ وہ مسائل ہیں جن کو ہم بہت آسانی سے حل کر سکتے ہیں. اور ان آسانیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آپ کے اس کالونی کے جو بھی انفراسٹرکچر ریکوائرمنٹ ہوگی گورنمنٹ آف بلوچستان پورا کر کے دے گی. دو آپشنز، دو آپشنز میں اس میں آپ کو دیتا ہوں. دو ہمارے سیکٹر ہیں ڈیولپمنٹ کے، ایک پی ایس ڈی پی اور ایک ایس ڈی پی ہے. ایس ڈی پی اسپیشل ڈیولپمنٹ پروگرام جو ایک چیف منسٹر سے ریلیٹڈ ہے، اس میں بھی ہمارے پاس فنڈ ہوتا ہے اور پی ایس ڈی پی میں ہوتا ہے. آپ کی باؤنڈری وال ہو، آپ کا روڈ انفراسٹرکچر ہو، سیور سسٹم ہو، اس میں پانی کا ہو، اس کی امینیٹیز ہوں، ان شاء اللہ تعالیٰ گورنمنٹ آف بلوچستان آپ اس میں ایک، صرف میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھیں، اس کا ڈیزائن اچھا بنوائیں، اس کے لے آؤٹ اچھا بنوائیں، اس کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھیں. جلد از جلد 15-20 دن، مہینہ دو مہینہ اگر آپ کو لگتا ہے، یہ پورا پلان آپ ہمیں دیں اور انشاءاللہ اس کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں حکومت بلوچستان انشاءاللہ آپ کو اگلے پی ایس ڈی پی میں یا موجودہ سے بھی یا اگلے پی ایس ڈی پی میں انشاءاللہ پورا کر کے دے گی. پھر آپ کو 50 روپے فٹ دینا پڑے گا. میں اس بات پہ تھوڑی سی توجہ دلاؤں گا کہ آپ نے کچھ چیزوں کی سجیشنز دیں جو بالکل نہایت ہی مناسب ہیں، خاص کر ان دو شہدا کے بچوں کا جن کا پی ڈی ایم میں آپ نے بات کی تھی کہ انشاءاللہ میں اس کو پرسنلی دیکھوں گا. میرے پہلے نوٹس میں نہیں تھا، اگر آتا تو ہم کسی نہ کسی حوالے سے اس کا ایک پرماننٹ سلوشن نکالتے. ساتھ میں ایک تو وہ شہدا جن کے بچے تقریباً جو 44 لوگ جرنلزم کے حوالے سے شہید ہوئے ان کے بچے ہیں، یقینی طور پہ گھر کا سربراہ جب نہیں ہوتا اور کوئی کسی کے بچے نہیں پالتا، یا تو ماں پالے گی یا باپ ہوتا ہے، یا تو پھر اگر دادا دادی یا اس طرح کے کچھ لوگ، یا بہت ایسے آج کے دور میں یہ چیزوں کو ہم دور جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ فیملیز خود اگر سسٹین کر سکیں، لیکن عموماً طور پہ مشکل ہوتا ہے. تو ہمارے پاس میری اپنی ایک تو آپ لوگوں کا خیر ایک انڈاؤمنٹ فنڈ بھی ہے، یا تو وہ پروسیس آپ ادروائز گورنمنٹ آف بلوچستان نے ایک پروگرام اپنا شروع کیا ہے جو کہ پہلے ہوتا تھا لیکن کسی طریقے ڈسکریشن پہ ہوتا تھا، کہ چیف منسٹر کی ڈسکریشن ہے کہ وہ ترقیاتی کام کہیں کروا دے، کہیں کسی کو ہیلپ آؤٹ کر دے اور یا کہیں نہ کر دے. ہم نے ان چیزوں کو تھوڑا سا اب ڈسکریشن سے نکال دیا ہے. سوشل ویلفیئر کے حوالے سے ایک ہم نے ہیلتھ میں ایک انڈاؤمنٹ فنڈ کریٹ کیا ہے جو کینسر اور ہارٹ اور ان چیزوں پہ خود کام کرتی ہے، اس کی بورڈ ہے، وہ خود ڈیسائیڈ کرتی ہے، وہ ایک کیس بھی چیف منسٹر کے پاس نہیں آتا اور چیف منسٹر کے پاس آنا بھی نہیں چاہیے. کہ اگر وہ ایک موجودہ بورڈ ہے، اگر کوئی تکلیف میں ہے، کوئی کینسر میں ہے، تو جا کے اس کا علاج ہونا چاہیے، بورڈ ڈیسائیڈ کرے، پیسے ہاسپٹلز میں چلے جائیں. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک ایس ایس پی پروگرام بھی کریٹ کیا ہے. یہ ایس ایس پی پروگرام اسپیشل سپورٹ پروگرام کے نام سے ہے، اور یہ بھی ایک زمانے میں ڈسکریشن چیف منسٹر کی ہوتی تھی. پھر کورٹ نے ایک ڈیسیجن اس پہ بہت اچھا لیا، میں کریڈٹ دوں گا، کیونکہ یہ چیزیں جب تک ہوں گی نہیں بہتری بہت کم آتی ہے، کہ کورٹ نے ڈسکریشنز ختم کر دی. کہ ڈسکریشنز نہیں ہو چاہیے، طریقہ کار ہونا چاہیے کہ آپ کا پیسہ ہے اس کو کس طرح خرچ ہونا چاہیے، کن پہ خرچ ہونا چاہیے، طریقہ کار کیا ہو، اینڈ ایوری تھنگ. تو اس میں ہمارے پاس سوشل سیکٹر پروگرام میں ایک، اس کے تقریباً 8 سے 10 کمپوننٹ ہیں. اس میں یہ تقریباً وہ فائنینشیل سپورٹ ہے جو ہم کسی کو بھی بلوچستان میں دے سکتے ہیں جو ان کرائیٹیریاز کو پورا کرے. میں چاہوں گا کہ آپ ان 44 جو فیملیز کے بچے ہیں جو ایجوکیشن سے منسلک ہیں، جو ایجوکیشن سے منسلک ہیں اور اپنی تعلیم پاکستان کے اندر حاصل کر رہے ہیں، آپ مجھے ان کی لسٹ دیں اور باقاعدہ ہم سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے تھرو اور اپنے اس ایس ایس پی پروگرام کے تھرو ہم ان کی یہ ساری جو فائنینشیل ریکوائرمنٹس ہیں کسی بھی حد تک سالانہ پورا کریں گے اور ان کو یہ گرانٹس جاری کریں گے. یہاں پہ ہم نے آپ نے ویجز کے حوالے سے جس چیز پہ ہائی لائٹ تھوڑا سا کیا تھا، حالیہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ آف بلوچستان نے بھی اپنے لیبر ایکٹ کی جو منظوری دی ہے، یہ بھی حصہ بن گئی ہے، کیبنٹ نے اس کی اپروول دی ہے اور انشاءاللہ ایکٹ کی صورت میں اسمبلی میں بھی جائے گا. اور وہاں میں جب ہم اس کی کیبنٹ میں بریفنگ لے رہے تھے تو وہاں واقعی یہ بات آئی تھی کہ ایک انسپیکٹر ہوگا
और उस इंस्पेक्टर के बड़े इख्तियारात हैं। मैं तो कभी कभी हैरान था कि इतने इख्तियारात तो शायद किसी के भी नहीं है जितने उस इंस्पेक्टर के हैं, कि वो किसी भी आदमी के पास जा सकता है, किसी भी इदारे के पास, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, किसी दुकानदार के पास, किसी होटल वाले के पास, और सिर्फ ये पूछेगा कि आप अपने एम्प्लॉई को क्या तनख्वाह दे रहे हैं और किस तरह दे रहे हैं। और ये वो अथॉरिटी है जिसकी तरफ शायद थोड़ा बहुत आपने इशारा किया था कि गवर्नमेंट ये इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट इस तरह कराए कि कम से कम जो वफाकी हुकूमत ने और फिर वेजेस के हवाले से 17,000 का एक बेंच मार्क बना है उसको हर लिहाज से पूरा होना चाहिए। और ये बिल्कुल सही बात है, आई एग्री टू इट। और इसमें यकीनी तौर पे जो हमारी लेबर डिपार्टमेंट है, मैं उनसे मैंने नोट किया है कि वो एक पूरा एक डेटा जो उन्होंने पहले भी इकट्ठा किया है उसको शेयर करें उसके साथ। और कम से कम ये बड़े बड़े इदारे, ठीक है आप एक चाय पिलाने वाला या एक सब्ज़ी बेचने वाला शायद इन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा नहीं कर सकता, लेकिन बड़े बड़े इदारे जो कम से कम कंपनीज़ के सूरत में हैं, अखबारात की सूरत में हैं या दूसरे सूरत में हैं, इन स्टैंडर्ड्स को कम से कम उनको पूरा करना चाहिए, जो कि जर्नलिज्म को भी फ़ायदा देगी। और इंशाल्लाह हम इसके लिए हर लिहाज से आपके साथ भरपूर तआवुन करेंगे, एंड वील मेक श्योर कि इसको फॉलो किया जा रहा है इदारे की तरफ से। एक बड़ी, चूंकि बातों में बहुत सारी बातें निकली, शहजादा साहब ने एक जो गवर्नमेंट के एक जो ट्रांस फर्नीचर कंपनी के बारे में बात की जो यहाँ फर्नीचर बनाती थी, मेरे को भी थोड़ा बहुत आइडिया इसका आया, लेकिन हमने इतने सालों में जो एक काम उसमें नहीं कर सके जिसके ऊपर अभी हमारी थोड़ी कोशिश है कि हम करेंगे, इस पूरी कंपनी का मटेरियल बाहर से आता है, ज़्यादातर चिनेउट से आता है। और मुझे हैरत थी कि ये इतने अरसे से जो चल रही थी, तो इसके जितने भी आके मुलाजिम और हुनरमंद जो लोग जो उस काम को जानते हैं वो भी वहीं से आए थे और वो चले गए। अब वो जब चले गए तो यहाँ तो हुनर किसी ने सीखा नहीं, तो हमारे अभी एक गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने हमने एक प्रोग्राम बनाया है जो कि इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये बलूचिस्तान में एक बहुत हद तक चीज़ों को बेहतर करेगी। और जो स्किल डेवलपमेंट जिसकी हम बार बार बलूचिस्तान में बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने एक अग्रीमेंट किया है हमारे फेडरल इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के तवसुल से, एक ऑर्गेनाइजेशन उनकी है जो स्किल डेवलपमेंट करवाती है। पहले फेज़ में एक बड़ा अच्छा उनका प्रोग्राम है जो ये अपनी नौइयत के पूरे पाकिस्तान में पहला प्रोग्राम इंशाल्लाह होगा, कि ये हर डिस्ट्रिक्ट में अपना एक रिमोट ट्रेनिंग कैंप क्रिएट करेंगे, बलूचिस्तान के सारे डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करेंगे। और इनका 3 साल का टारगेट 15,000 बच्चे और बच्चियों को ट्रेन करना है। ये कंटेनराइज्ड ट्रेनिंग कैंप्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 15 से 20 कंटेनर्स पे बेस्ड एक कंटेनर छोटा सा एक विलेज बनेगा, जहाँ पे तीन तीन बलूचिस्तान इसकी पूरी स्टाइपेंट दे रही है, इनका पूरा खर्चा दे रही है, इसकी स्टैब्लिशमेंट का दे रही है। ये टीम्स तकरीबन 6 से 7 इंस्ट्रक्टर्स हर उस कैंप में होंगे और रहेंगे भी वहीं। कहीं इलेक्ट्रॉनिक का ज़्यादा काम होगा, कहीं पे ज़मींदारी का कोई और सेक्टर होगा,